हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिल्की शिंदी फ्रॉम माता यशोदा मेमोरियल इंग्लिश स्कूल परसवाड़ा। टुडे वी लर्न अबाउट बॉडी पार्ट्स नेम। ओके एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे? शरीर के अंग। ओके, कि हमारे शरीर में कितने अंग हैं और हमारे जितने शरीर में जो अंग है उनके क्या क्या नाम है। ओके स्टूडेंट्स, हम आज आपको इंग्लिश में उसके स्पेलिंग और उसे हिंदी में क्या कहते हैं ये बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और बॉडी के पार्ट्स सीखिए कि उन्हें क्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आपको हम डायग्राम में कुछ बॉडीज पार्ट दिखाएंगे। ओके, सो आपको वो देखना है और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो सबसे पहला बॉडीज पार्ट, मतलब सबसे पहला जो अंग है वो क्या है हमारे बॉडी में? सबसे पहला हेड। ओके, हेड में सबसे ऊपर पे क्या है? हेयर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले हेयर की बात करते हैं। ओके, सो हेयर, हेयर की स्पेलिंग है HAIR, हेयर। हेयर मतलब क्या होता है बच्चों? बाल। ओके, देन ये देखिए, ये हमारे बाल हैं, आपके पास भी होंगे, है ना? सो हेयर को हम क्या कहते हैं हिंदी में? बाल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आप मेरे साथ हेयर की स्पेलिंग रिपीट करिए, HAIR, हेयर। हेयर मतलब बाल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हेयर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है बॉडी का वो कौन सा है? हेड। हेड मतलब क्या होता है बच्चों? सर। ओके, सो हेड की स्पेलिंग है HEAD, हेड। ओके, सो स्टूडेंट्स, हेड मतलब सर होता है। ओके, हेड मतलब क्या होता है? सर होता है। सो स्टूडेंट्स, हेड की स्पेलिंग आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, HEAD, हेड। हेड मतलब सर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ना? सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में, हेड के बाद में हमारा जो नेक्स्ट बॉडीज पार्ट है वो कौन सा है? आईब्रो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना? सो स्टूडेंट्स, आईब्रो की स्पेलिंग है IYEBROW, आईब्रो। आईब्रो मतलब क्या होता है बच्चों? भौंय। ओके, जो कि हमारी आंखों के थोड़ी ऊपर रहती है ना? सो इसे हम क्या कहते हैं? आईब्रो कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए आईब्रो की स्पेलिंग, EYEBROW, आईब्रो। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम देखते हैं कि आईब्रो के बाद में हमारा जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है वो कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, आईब्रो के बाद में हमारा जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है वो है आईज। ओके, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना? सो आईज की स्पेलिंग है EYE, आई मतलब होता है आंख। ओके स्टूडेंट्स, देन आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए आईज की स्पेलिंग EYE, आई मतलब आंख। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है। ओके, सो नेक्स्ट डायग्राम हमारा ईयर। ओके स्टूडेंट्स, सो ईयर कहाँ है? ये है। ओके, ईयर का मतलब क्या होता है बच्चों? कान। ओके स्टूडेंट्स, देन ईयर की स्पेलिंग है EAR, ईयर। ओके, ईयर मतलब क्या होता है? कान होता है, जिससे कि हम सुनते हैं, है ना? सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए ईयर की स्पेलिंग EAR, ईयर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना? सो स्टूडेंट्स, ईयर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो किसका है बताइए? नोज। वेरी गुड, सो नोज की स्पेलिंग क्या है? NOSE, नोज। नोज मतलब क्या होता है? नाक। वेरी गुड, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना? सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए नोज की स्पेलिंग NOSE, नोज। नोज मतलब नाक, है ना? सो स्टूडेंट्स, नोज के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम है? लिप। ओके, सो स्टूडेंट्स, लिप कहाँ है? ये है ना? लिप आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, है ना? सो स्टूडेंट्स, लिप को हम हिंदी में
होंठ कहते हैं. ओके सो फ्रेंड्स, लिप की स्पेलिंग है LIP, लिप. लिप मतलब होंठ. आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ लिप की स्पेलिंग रिपीट करिए. LIP, लिप. लिप मतलब होंठ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लिप के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. ओके सो स्टूडेंट्स, लिप के बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम है टीथ. ओके सो स्टूडेंट्स, टीथ मतलब दांत होता है. आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, टीथ की स्पेलिंग है TEETH, टीथ. टीथ मतलब क्या होता है, दांत होता है. ओके सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है. सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ एक और बार टीथ की स्पेलिंग रिपीट करिए. ओके सो टीथ की स्पेलिंग है TEETH, टीथ. ओके देन टीथ के बाद में हमारा डायग्राम है वो है जॉ. ओके जॉ मतलब होता है जबड़ा. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज हियर. ये क्या है, हमारा जबड़ा है. ओके स्टूडेंट्स, सो जॉ की स्पेलिंग है JAW, जॉ. जॉ मतलब क्या होता है, जबड़ा होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, जो की स्पेलिंग आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, JAW, जॉ. जॉ मतलब जबड़ा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. ओके सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है नेक. ओके सो नेक मतलब क्या होता है, गर्दन. ओके सो नेक की स्पेलिंग है NECK, नेक. नेक मतलब गर्दन. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए, नेक की स्पेलिंग NECK, नेक. नेक मतलब गर्दन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि नेक के बाद में जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा डायग्राम है. सो स्टूडेंट्स, नेक के बाद में हमारा जो डायग्राम है वो है शोल्डर. ओके सो स्टूडेंट्स, शोल्डर मतलब कंधा होता है. ओके ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये क्या है बच्चों, कंधा है. ओके सो स्टूडेंट्स, शोल्डर की स्पेलिंग है SHOULDER, शोल्डर. ओके सो शोल्डर का मतलब क्या होता है, कंधा होता है, है ना. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोग फिर से मेरे साथ रिपीट करिए शोल्डर की स्पेलिंग SHOULDER, शोल्डर. शोल्डर मतलब कंधा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि शोल्डर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो किस चीज का है. सो स्टूडेंट्स, शोल्डर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है चेस्ट. ओके चेस्ट या ब्रेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो चेस्ट की स्पेलिंग है CHEST, चेस्ट. और ब्रेस्ट की स्पेलिंग है BREAST, ब्रेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो जो चेस्ट है वो है मैन पोर्शन और जो ब्रेस्ट है वो है वुमेन पोर्शन. ओके स्टूडेंट्स, वुमन के बॉडी के पार्ट में हम चेस्ट को ब्रेस्ट कहते हैं और बॉयज के बॉडी पार्ट्स के नेम को हम चेस्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना स्टूडेंट्स. देन चेस्ट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है आर्म. ओके स्टूडेंट्स, सो आर्म का मतलब होता है भुजाएं, जैसे कि ये है, ये क्या है, आर्म है. ओके स्टूडेंट्स, आर्म की स्पेलिंग है ARM, आर्म. आर्म मतलब क्या होता है, भुजाएं. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ आर्म की स्पेलिंग रिपीट करिए ARM, आर्म. आर्म मतलब भुजाएं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आर्म के बाद में जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. सो स्टूडेंट्स, आर्म के बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम है एल्बो. ओके सो
एल्बो का मतलब क्या होता है? कोहनी. ओके स्टूडेंट्स, सो एल्बो की स्पेलिंग है ELBOW, एल्बो. ओके स्टूडेंट्स, एल्बो का मतलब क्या होता है? कोहनी, दैट इज हियर. ओके स्टूडेंट्स, देन आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ एल्बो की स्पेलिंग रिपीट करिए, ELBOW, एल्बो. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एल्बो के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. सो स्टूडेंट्स, एल्बो के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है व्रिस्ट. व्रिस्ट मतलब कलाई. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज हियर. ये क्या है? कलाई है. ओके, सो व्रिस्ट की स्पेलिंग है WRIST, व्रिस्ट. व्रिस्ट मतलब कलाई. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, व्रिस्ट की स्पेलिंग WRIST, व्रिस्ट. व्रिस्ट मतलब कलाई. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि व्रिस्ट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. सो स्टूडेंट्स, व्रिस्ट के बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम है फिंगर. ओके, सो फिंगर की स्पेलिंग है FINGER, फिंगर. फिंगर मतलब अंगुलियां. ओके स्टूडेंट्स, देन फिंगर के स्पेलिंग आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, FINGER, फिंगर. फिंगर मतलब अंगुलियां. अब देखते हैं बच्चों, फिंगर के बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम कौन सा है. सो स्टूडेंट्स, फिंगर के बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम है थंब. ओके, सो थंब को हम हिंदी में अंगूठा कहते हैं. सो स्टूडेंट, थंब की स्पेलिंग है THUMB, थंब. ओके, थंब मतलब क्या होता है? अंगूठा होता है. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा. ओके, सो स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए थंब की स्पेलिंग THUMB, थंब. ओके, अब हम देखते हैं कि थंब के बाद में जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो क्या है. नेक्स्ट डायग्राम है हमारा स्टमक. स्टमक मतलब क्या होता है बच्चों? पेट. ओके, स्टमक. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टमक के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. स्टमक के बाद में हमारा नेक्स्ट डायग्राम है हैंड. ओके स्टूडेंट्स, सो हैंड मतलब क्या होता है? हाथ होता है. ये हमारे हाथ हैं, है ना. सो स्टूडेंट्स, इससे हम क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं. हिंदी में हाथ कहते हैं. हैंड की स्पेलिंग है HAND, हैंड. ओके, हैंड मतलब हाथ होता है. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हैंड के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. नेक्स्ट डायग्राम है हमारा नेवल. ओके, सो नेवल स्टमक के एकदम बीचों बीच में होता है. नेवल को हम हिंदी में नाभि कहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाभि, नेवल की स्पेलिंग है NAVEL, नेवल. नेवल को हम हिंदी में नाभि कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो कि स्टमक के बीचों बीच में होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ नेवल की स्पेलिंग रिपीट करिए, NAVEL, नेवल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा पार्ट है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारा थाई. ओके, सो स्टूडेंट्स, थाई की, थाई मतलब होता है जांघ. ओके, सो स्टूडेंट्स, थाई मतलब क्या होता है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. जांघ होता है. थाई की स्पेलिंग है THIGH, थाई. थाई मतलब जांघ. ओके स्टूडेंट, आप लोग भी मेरे साथ थाई की स्पेलिंग रिपीट करिए, THIGH, थाई. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डायग्राम है हमारा नी. ओके, नी मतलब क्या होता है? घुटना. ओके स्टूडेंट्स, नी मतलब क्या होता है? घुटना होता है, है ना. सो नी की स्पेलिंग है KNEE, नी. नी मतलब घुटना. आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए,
KNEE नी, ओके। सो नी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है हिल, ओके। हिल का मतलब क्या होता है? एड़ी, ओके फ्रेंड्स। सो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, हिल मतलब क्या होता है? एड़ी होता है। हिल की स्पेलिंग है HEEL, हील, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि हील के बाद में जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है, ओके। सो स्टूडेंट्स, हील के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है लेग। लेग मतलब पैर, ओके स्टूडेंट्स। लेग मतलब क्या होता है? पैर होता है। लेग की स्पेलिंग है LEG, लेग, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। सो आप लोग मेरे साथ लेग की स्पेलिंग रिपीट करिए, LEG, लेग। लेग मतलब पैर। अब देखते हैं कि लेग के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो कौन सा है। लेग के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है फुट, ओके। सो स्टूडेंट्स, फुट का मतलब होता है तलवा, ओके। हमारा जो पैर होता है उसके जो नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? फुट कहते हैं, ओके। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। सो इसे हम क्या कहते हैं? फुट कहते हैं। फुट मतलब तलवा होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो आप लोग फुट की स्पेलिंग मेरे साथ रिपीट करिए, FOOT, फुट, ओके। देन फुट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है टोई। टोई मतलब होता है पैर की उंगलियां, ओके। सो स्टूडेंट्स, टोई की स्पेलिंग है TOE, टोई। टोई मतलब पैर की उंगलियां, ओके। सो स्टूडेंट्स, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट करिए, टोई। टोई मतलब होता है पैर की उंगलियां। टोई की स्पेलिंग है TOE, टोई, ओके। देन टोई के बाद में हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है टोइनेल, ओके। सो स्टूडेंट्स, टोइनेल को हम हिंदी में पैर की उंगलियों के नाखून कहते हैं, ओके। पैर की उंगलियों के नाखून कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को मैंने कुछ डायग्राम्स बताए हैं, सो आप लोग इसे लर्न करिएगा और मुझे अपनी नोटबुक में राइट करके सेंड करिएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।